है तेरे दिल को पता। अरे रायना, कहो युसरा की तरफ कब जाओगी? शुक्र है तुम्हें एहसास हुआ कि तुम्हारी एक बेटी भी है जिसे तुमने कल रुखसत किया है। जाहिरी सी बात है, मेरी औलाद है, मैं कैसे भूल सकता। खैर, मैंने नाश्ता ऑर्डर कर दिया था, वो आ गया है, ले जाना। अपनी बीवी को क्यों नहीं कहते हो? उसकी तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, कल तक तो बिल्कुल ठीक थी, है आज क्या हुआ है? रायना इतने सवाल क्यों करते हो? कहा ना कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने रेस्ट के लिए बोला है। और वैसे भी अगर उमामा गई तो युसरा आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि तुम चली जाओ। ओके। अच्छा, हो सके तो उसे साथ लेती आना। अगर नदीम ने परमिशन दी तो? इसमें परमिशन वाली कौन सी बात, बेटी है मेरी, और फिर ये तो रस्म है। बात सुनो फारूक, ये जो घिसी पिटी रस्में है ना, ये आजकल के बच्चे नहीं मानते। और वैसे भी ये हो सकता है कि दोनों मियां बीवी का कहीं जाने का प्लान। तुम अपने अंदाजे अपने पास नहीं रख सकते, प्लीज जैसा कहा वैसा कर दो। कर दूंगी। थैंक यू। मैंने खुद इसको नहीं बताया, कहीं जाकर युसरा को भड़का ना दे, फजूल में फसाद खड़ा। वो यहाँ घर वापस आएगी तो मैं खुद उससे बात करूँ। तुम टेंशन नहीं लो, सब कुछ ठीक, तुम्हें बस खुश रहना। ठीक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ हो? ऑफिस में, ऑब्वियसली। अब इतनी जल्दी, तुम तो 10 बजे नहीं आती। हाँ, लेकिन आज बॉस के साथ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी तो जल्दी आना पड़ा। आप बताएं, इतनी सुबह सुबह कैसे फोन कर लिया? एक गुड न्यूज देनी थी तुम्हें। गुड न्यूज? हाँ गुड न्यूज, हमारे घर एक नन्ना मुन्ना मेहमान आने वाला है। क्या मतलब? अनुषा तुम आप ही बनने वाली हो और मैं भाईजान। क्या है, पहले क्यों बुझा रहे हैं, साफ साफ बता। तुम बिल्कुल बुद्धू हो, आंटी मम्मी बनने वाली है। क्या? क्या? वाकई? सच कह रहे? हाँ, कल रात ही डॉक्टर ने खुशखबरी सुनाई, बाबा भी उन्हें चेकअप के लिए लेके जा रहे हैं। ये तो बहुत खुशी की खबर है। तो फिर आओ ना, लेट्स सेलिब्रेट। मैं वहां। हाँ अनुषा, देखो इस वक्त आंटी को सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है। हाँ ठीक है, मैं मीटिंग से फ्री होते ही आ जाऊंगी। लव। क्या हो गया, ये लड़की फोन क्यों नहीं उठा रही? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। भाई मैं बहुत परेशान हो गई थी, तुम्हें कब से फोन कर रही हूँ, तुम फोन ही नहीं उठा रही। आई एम सो सॉरी, मैं ड्राइव कर रही थी।
अच्छा सुनो, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। अब बैठो तो सही, बता दे। भाई मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ बहुत जल्द, शादी की तारीख फिक्स करने, और वो भी इसी महीने। इतनी जल्दी? क्यों, तुम्हें जल्दी नहीं है क्या? मुझे तो बहुत जल्दी है आंटी, आप आज कहें तो मैं आज आ जाऊं, और इसकी वजह हारिस नहीं, इसकी वजह आप है। So sweet of you. अब मैं एक सेकंड के लिए भी आपसे दूर नहीं जाना चाहती, हमेशा आपके करीब रहना चाहती हूँ। अच्छा ये बताओ कि शादी की शॉपिंग कंप्लीट हो गई तुम्हारी? जी आंटी, बस कुछ एक्सेसरीज रह गई हैं। अच्छा ठीक है, वो मुझे कार्ड दे देना क्योंकि मुझे भी शॉपिंग के लिए जाना है। श्योर आंटी, मैं रोज लेकर आती हूँ और रोज ही आपको देना भूल जाती हूँ। नो प्रॉब्लम। अच्छा आंटी, वो ड्राइवर को भेज के ना सामान मंगवा लीजिएगा जो मैंने लिया है। माहम वो सामान तुम्हारा है भाई, जब तुम इस घर में आओगी तो अपने साथ लेकर आना, अभी क्या जरूरत है उस सामान की। थैंक यू सो मच। भाई ये आज रात का खाना तो तुम लोग अपने घर पे नहीं खाओगे। क्यों, तो फिर कहाँ खाएंगे? इनकी स्टेप मदर ने इनको इनवाइट किया है डिनर पे। क्या मतलब इनवाइट किया? वो मेरा घर है, मैं जब चाहे वहाँ आ सकती हूँ, एटलीस्ट उनके इनविटेशन की मुझे जरूरत नहीं है आंटी। हाँ जरूरत तो नहीं है, लेकिन मेरी जान वो फिलहाल तो उस घर की मालकिन बनी हुई है ना। मालकिन? कम ऑन आंटी। क्या हो गया, अपना मूड क्यों खराब कर रही है? अरे इनके कहने से क्या होगा, प्रॉपर्टी का मालिक तो तुम और तुम्हारा भाई है ना? ऑफ कोर्स, हम दोनों ही हैं। लेकिन फारूक ने एक और हिस्सेदार जो खड़ा कर दिया है अपने ही घर में, अपनी डियर वाइफ। वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, प्रॉपर्टी में उनको हिस्सा नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा? हमारे बाबा की वाइफ है, उनका भी हक बनता है। मेरी जान वो फारूक पर जोर डाल रही है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी अपने नाम लिखवाए। तुम जानती नहीं कितनी होशियार औरत है। वैसे एक आइडिया है मेरे पास। क्या? क्यों ना तुम अपने बाबा से कह के विल लिखवा। बल्कि विल क्या तैयार करवाओ, मैं तो कहता हूं प्रॉपर्टी का हिस्सा ही मांग लो। कि तुम्हें और रमदान को टाइम पे हिस्सा मिल जाए तो बेहतर है। बाद में झगड़े होते हैं और ये सारी चीजें अनसॉर्टेड रह जाती हैं। ठीक कह रहे हो। मैं बाबा से बात करती हूँ, भला मैं अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे को क्यों हड़पने दूँ? लेकिन एक बात ये है, क्योंकि अंकल को ऐसा ना लगे कि मैंने तुम्हें भड़काया है या मेरा कोई मकसद है इसके पीछे। मैं तो सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि तुम परेशान ना हो, तुम्हें इंसाफ मिले, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। मौन नदीम, कॉस तुम मेरे लिए कर रहे हो, आई नो यू। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि क्यों कोई थर्ड पर्सन मेरी प्रॉपर्टी में हिस्सेदार बने। Thank you.
एहतियात से। याद है डॉक्टर ने क्या कहा है? तुमने घर का कोई काम नहीं करना, मुकम्मल रेस्ट करना है क्योंकि ब्लड की कमी है। इस तरह तो मैं बिस्तर में पड़े पड़े बिल्कुल ही बेकार हो जाऊंगी, बीमार थोड़ी हूँ। अरे बीमार नहीं हो, एनेमिक हो ना, तो बीमार हो सकती है, इसलिए डॉक्टर ने जो कहा है उसको सख्ती से फॉलो कर। कोई काम नहीं करना, मुकम्मल रेस्ट करना है, अच्छी डाइट लेनी है, और जो डॉक्टर ने डाइट प्लान बनाकर दिया है ना उसको सख्ती से फॉलो करना, समझी? अच्छा सुने ना फारूक, मैं सोच रही थी कि आज खाना खुद बना लेती हूँ। युसरा पहली बार शादी के बाद घर आ रही है। अरे भाई युसरा का अपना घर है, वो तो आती जाती रहेगी। तुमने अब कोई काम नहीं करना, बस बेड पर रेस्ट करना है। मैं नसरीन से बोल दूंगा, वो घर के सारे काम संभाल लेगी, तुम फिक्र नहीं करो। आप मुझे काहिल बना देंगे इस तरह? मेरे लिए काहिल नहीं बन सकती। अच्छा मैं युसरा को देखता हूँ कि आई कि नहीं आई, और मैं नसरीन को भिजवाता हूँ, वो तुम्हारे लिए जूस लेकर आती है, तुम लेट जाओ। चलो चलो सर। क्या बात है, सब खैरियत है? कहाँ गायब है सब, इतना सन्नाटा क्यों है? लैला मजनू तो अपने कमरे में होंगे, और आई गेस हमदान भी शायद अपने कमरे में ही है, क्योंकि इन लोगों को आदत तो रही नहीं ऑफिस जाने की। ये बताएं कि बाबा और आंटी की लड़ाई कैसी चल रही है? कौन सी लड़ाई, सारा दिन तो वो हाथ में हाथ डाले लॉन में घूमते रहते हैं। ये बाबा भी ना अजीब ही है। खैर आप बुलाए उन्हें, अब मैं आ गई हूँ तो मुझसे मिलने, या अगर ज्यादा मसरूफ है तो मैं वापस चली जाती हूँ। तुम बैठो, मैं नसीन से पूछती हूँ। अरे तुम कब आई? बस अभी अभी आई हूँ, लेकिन कमाल की बात यह है कि मुझे वेलकम करने के लिए कोई है ही नहीं। मैं हूँ ना, और तुम्हारा हस्बैंड कहाँ? वो नदीम को कोई इम्पोर्टेंट काम था इसलिए मुझे ड्रॉप करके चले गए। अब डिनर के वक्त आ जाएंगे। अच्छा मुझे लगता है वैसे वो हमसे ना नाराज हो गए। क्यों, आप लोगों से क्यों नाराज होंगे वो? क्योंकि शायद हमने उसकी उम्मीदें पूरी नहीं की। भाई क्या हो गया आपको? कितनी बार आपसे कहा है कि नदीम से रिलेटेड जो भी आपके दिल में गलत फहमी है वो निकाल दें। उसने बिना किसी शर्त के मुझसे शादी की है। हाँ शादी तो कर ली उसने तुमसे, लेकिन मुझे लगता था कि तुम्हारे जरिए ना अपने मुतालबात पूरे करवाएगा हमसे। बिल्कुल बिल क्या तैयार करवाओ, मैं तो कहता हूँ प्रॉपर्टी का हिस्सा ही मांग लो, बाद में झगड़े होते हैं और ये सारी चीजें अनसॉर्टेड रह जाती हैं। लेकिन एक बात यह है कि कहीं अंकल को ऐसा ना लगे कि मैंने तुम्हें भड़काया है या मेरा कोई मकसद है इसके पीछे। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि तुम परेशान ना हो। ऐसी कोई बात नहीं है, नदीम को मेरी दौलत जायदाद इस घर या प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, कौन बार बार नदीम के खिलाफ आपके कान भर? कोई भी ऐसा नहीं कर सकता, मैं खुद काफी समझदार हूँ। और जहां तक रही बात नदीम की, तो उसके बारे में मुझे क्यों शक होगा? हाँ कुछ अंदाजा है मुझे उसके बारे में, और मैं तो खुद ये चाहता हूँ कि वो अंदाजा गलत साबित हो। ऐसा ही होगा। हेलो, क्या हाल है बाबा? मैं ठीक हूँ, आप बताओ कैसे हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन आप बहुत मसरूफ थे, आपने मुझे वेलकम भी नहीं किया। मैं तुम्हारे तो इंतजार कर रहा था। अच्छा तभी वेलकम करने के बजाय अपने रूम में बैठे हुए। एक्चुअली तुम्हारी आंटी की तबीयत ठीक नहीं है। वैसे कुछ बीवियों की खास आदत होती है बीमारियों का बहाना करके अपने शौहरों को काबू करने की। फॉर गॉड्स सेक, उमैमा को बाकी औरतों से मिलाना बंद कर दो, वो वैसी नहीं है। अच्छा खैर
एक अच्छी खबर है मेरे पास। और वो ये है कि हमारा छोटा सिबलिंग आने वाला है। क्या मतलब? दूसरा, पहले तुम इस घर में सबसे छोटी थी, लेकिन अब तुमसे भी एक छोटा बहन या भाई आने वाला है बेटा। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? कौन, बहन भाई, क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा कि वैसे हद होती है एक बात की। यस, वो एक्चुअली Mama is expecting. आखिर क्या बात है अनुषा, बहुत खुश नजर आ रही हो, और इतनी अचानक छुट्टी, कहाँ की तैयारी है? खुशी की बात तो है, मैं आप ही बनने वाली हूँ। आप ही बनने वाली हो? हाँ, अम्मा एक्सपेक्ट कर रही हैं। रियली? हाँ। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। मुझे सुबह पता चला, अगर मीटिंग ना होती ना तो मैं तो सुबह ही भाग जाती। चलो मैं निकलती हूँ। अच्छा सुनो, वैसे तो मैंने बॉस को बता दिया, लेकिन अगर फिर भी कोई काम हो तो प्लीज देख ली। डोंट वरी। रमेश बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? आप इस उम्र में बाप बनेंगे, लोग क्या कहेंगे? काम ना, मैं तुम बैठो, मैं तुम्हें समझा। आप मुझे नहीं समझाए। आपके समझाने से क्या लोगों की जबानें बंद हो जाएंगी? पड़ेगा हमें, आपने एक बार भी सोचा है? अभी कल आपने मेरी शादी की है, और आज आप मुझे ये खबर सुनाने के आप बाप बनने वाले हैं, ये आपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। मैं कैसे निकलूंगी बाहर, कैसे फेस करूंगी सोसाइटी को, कैसे बर्दाश्त करूंगी? शट अप यार, क्या अजीब बातें कर रही हो तुम? पापा ने कुछ गलत नहीं किया, शादी की है उन्होंने। Thank you.
औलाद है जैसा तुम और मैं। बस चुप हो जाए भाई। मैं अच्छी तरह जानती हूं कि आप बाबा की हिमायत क्यों कर रहे हैं। लेकिन मैं आप कितना आंखों पे पट्टी बांध के नहीं बैठ सकती। मैं जो गलत है उसे गलत कहूंगी और बाबा ने गलत किया है। बाबा क्या भाई और मैं आपके लिए काफी नहीं थे? सर बेटा समझने की कोशिश करो, मेहमा की भी अपनी एक जिंदगी है, उसका भी खुशियों पर हक है। आप मुझे मत समझाएं बल्कि खुद समझें बाबा। आप इस उम्र में बाप बनेंगे, आप उस बच्चे के साथ ज्यादती कर रहे हैं। कितनी जिंदगी रह गई आपकी? अगर आपको कुछ हो गया तो उस बच्चे को किसके सर पे डाल के जाएंगे? हाँ जुसरा अपनी बकवास बंद करो, समझ आई तुम्हें? मुझ पे चिल्लाए मत भाई। मुझे एक ही दिन हुआ है और आप सबके रवैये बदल गए। मैं इस घर में अब एक मिनट नहीं रुकूंगी। राना रोको इसे। क्या रोकूं इसे? तुमने हरकत ही ऐसी की है और मुझे लगता नहीं है कि अब वो इस घर में कभी वापस आएगी। अब तुम भुगतो। कहा था तुमसे? वो बर्दाश्त नहीं करेगी। कहा था तुमसे? बाबा उसकी फिक्र ना करें, आप जानते तो हैं कि वो गुस्से की तेज है। उसका गुस्सा ठंडा होगा तो खुद ही वापस आ जाएगी, आप फिक्र ना करें। सहर प्लीज जरा मुझे पानी पिला दो। बेगम साहब पानी। थैंक यू। ये बताओ कि हारिस है या चला गया? जी वो अपने कमरे में। अच्छा प्लीज मेरे लिए कॉफी बना दो। अभी लाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप तो शॉपिंग पर गई थी, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? शॉपिंग करी नहीं पाई मैं। क्यों? पैसे ही नहीं थे अकाउंट में। एक मिनट अम्मी, क्या मतलब अकाउंट में पैसे नहीं थे? जो कार्ड मैंने महाम को दिया था ना शॉपिंग करने के लिए, वही कार्ड लेकर गई थी मैं। उसका बैलेंस जीरो था। आपको चेक कर जाना चाहिए था ना? हारिस मेरे अकाउंट में 80 लाख थे तो चेक करने की क्या जरूरत थी मुझे? क्या 80 लाख? मतलब माहम ने 80 लाख पूरे खर्च कर दिए? मुझे भी इस बात की हैरत है। आई थिंक उसको एक ब्राइडल ड्रेस लेना था, एक सेट लेना था,
ये भी थोड़ी बहुत और शॉपिंग कर ली होगी उसने, 80 लाख खर्च कर दिए। हैरत हो रही है मुझे। अम्मी इट्स टू मच, 80 लाख रुपए खर्च कर दिए। आप पूछेंगे नहीं उससे? कब से फोन कर रही हूँ उसे, लेकिन उसका फोन बंद है। तो फिर अब क्या करेंगे? उससे बात किए बगैर मजीद कोई शॉपिंग नहीं करूंगी। हिसाब तो देना होगा उसे। अम्मी जब इतना खर्चा हो गया है तो हिसाब लेना अच्छा लगेगा। हारिस, एक हफ्ते में 80 लाख उसने स्पेंड कर दिए। जाहिर तो मुझे वो बहुत सीधी सादी सिंपल सी लड़की लगती थी। पूछूंगी तो जरूर, हिसाब तो उसे देना पड़ेगा। अम्मी एक और बात, के जब भी कार्ड स्वाइप होता है तो मैसेज आता है उसका मोबाइल पर, तो आपको पता क्यों नहीं चला फिर? हारिस, इस बैंक में मेरा पुराना टेलीफोन नंबर है, उससे बंद हो गई थी, मैंने अपडेट ही नहीं कराया उसे। मेरी गलती है। अब ज़ाहिर है मैसेजेस उसी पे जाते होंगे ना, पुराने नंबर पर। आप ही का इंतजार कर रहा था। अच्छा, अमो कहाँ है? अपने कमरे में। कमरे में? हाँ। ओ, तो फिर तो मुझे उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए ना। नहीं नहीं, वो अभी कौसर उनको सूप देके आई है, तुम चली जाओ। अंकल भी हैं अंदर। फारूक, वो आपकी बेटी है, आपसे दूर नहीं रह सकती, वक्ती नाराजगी है बस। मुझे उसके इस तरह के रिएक्शन की उम्मीद थी। अंदाजा नहीं था कि इतना शरीर गुस्सा करेगी। मुझे यकीन था कि मैं उसे मना लूंगा। उसके गुस्से को तो आप जानते हैं, और आप ये भी जानते हैं कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ आप ही उसे मना सकते हैं। मैमा, तुम सोच भी नहीं सकती कि उसने किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए। औलाद अपने बाप की मौत की बात कर सकती है? मुझे ना समझाएं बाबा, बल्कि खुद समझें। आप इस उम्र में बाप बनेंगे, आप उस बच्चे के साथ ज्यादती कर रहे हैं। कितनी कितनी जिंदगी रह गई आपकी? अगर आपको कुछ हो गया तो उस बच्चे को किसके सर पे डाल के जाएंगे? हाँ, फारूक, वो बस जज्बाती हो गई है शायद। अभी देखिएगा, आएगी, आपको गले लगाएगी और मुबारकबाद भी देगी। मुझे लगता था कि वो मेरी खुशी को महसूस करेगी। मेरी खुशी में खुश होगी, लेकिन देखिए फारूक, सारी जिंदगी उसने आपसे ही अपने लाड उठवाए हैं, सारे नखरे आपसे करती है, और वो घर का सबसे छोटा बेबी है। मुझे तो लगता है वो बस आपको शेयर करने से डर रही है थोड़ा। फॉर्मल क्यों हो रही है? नहीं, फॉर्मल नहीं हो रही, बस ऐसी। बाबा बहुत खुश हैं और वो चाहते हैं कि आंटी भी खुश रहें, और उनको इस बात का पता है कि आंटी की खुशी तुमसे है।
तो हुआ। मैं जाती हूँ फिर। ऑफिस कैसे आ रहे? बहुत अच्छा, मैं मिलके आती हूँ। हाँ श्योर श्योर। फारूक मुझे अनुषा के पास जाना है प्लीज। नहीं नहीं तुम नहीं जाओगी, डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है। और फिर यहाँ के रास्तों का तुम्हें पता ही है। उसका पता नहीं क्या मसला है, इतनी दफा बुलाती हूँ उसको मगर कोई ना कोई बहाना कर देती, आती ही नहीं है मेरे पास। जैसे तुम मुझे यूसरा के लिए समझा रही थी, उसे फोन करो, आ जाएगी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान, कैसी है? ठीक हूँ। कांग्रेचुलेशंस, बहुत 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 सारा अंकल, आपको ही कांग्रेचुलेशंस। अम्मा को पता है मैं इतना खुश थी, इतना फ्लावर्स देना भूल गई, ये ले। थैंक यू। इतना खुश थी कि दिल कर रहा था कि उड़ के आपके पास आ जाऊं, पर ऑफिस में मीटिंग। तुम्हें किसने बताया? देखो जो होना था वो हो गया है, लेकिन अब जो आगे होने वाला है ना, हमें उसे रोकना है। अगर तुम इस तरह से गुस्सा करके सबको छोड़ छाड़ कर बैठ जाओगी तो तुम्हारे जितने दुश्मन हैं उन सबकी पार्टी हो जाएगी, उन्हें तो बना बनाया हलवा मिल जाएगा। क्या मतलब आंटी? फारूक की प्रॉपर्टी में एक और हिस्सेदार आ रहा है, फारूक की औलाद, यानी कि उमैमा का अलग हिस्सा और उसकी औलाद का अलग हिस्सा। हरगिज़ नहीं, ना उस औरत को कोई हिस्सा मिलेगा ना उसकी औलाद को। चाहती तो मैं भी यही हूँ मेरी जान। लेकिन आप ये सब कैसे करेंगी आंटी? बाबा तो और भी ज्यादा फिदा हो गए उस पे, कैसे अलग करेंगी उन दोनों को? वो तो मुझ पे छोड़ दो यूसरा, यू नीड टू ट्रस्ट मी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी यूसरा की जगह कोई और ले। थैंक यू आंटी। पता नहीं आप ये सब कैसे करेंगी, लेकिन मुझे बाबा पे शदीद गुस्सा आ रहा है। मैं उनको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती आंटी, कभी भी। ऐसा ही होगा मेरी जान, डोंट वरी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। अरे शादी की हद तक तो ठीक था, ये बच्चा पैदा करने की क्या जरूरत थी जब खुद कितने बड़े बड़े बच्चे। उसकी बीवी की फरमाइश होगी ना, लेकिन इस फरमाइश की वजह से मेरी सिचुएशन कितनी डिफिकल्ट हो गई है। मेरे माँ बाप पहले ही नहीं मान रहे थे इस शादी के लिए, अब कितना मुश्किल हो जाएगा उनको मनाना। अरे उन्हें तो ऐसा लगेगा किसी छोटे घर में शादी कर लिए, मजाक उड़ाएंगे मेरा। सास ससुर के नवासे नवासी खिलाने की उम्र है तो वो अपने बच्चे पैदा नहीं करते। अब मुकाम नहीं दिला सकता मैं यूसरा को अपने घर में, कोई बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। फिक्र मत करो, मैं बना बनाया खेल बिगड़ने नहीं दूंगी। मैंने तो कॉल की थी उसको, है ना?
वो सब छोड़े ना। अच्छा मुझे बताए आपका क्या खाने का दिल चाह रहा है? जो भी दिल चाह रहा है मुझे बताए, मैं बनाकर खिलाऊंगी। बल्कि एक काम करें, अम्मा मेरे साथ घर चले ना, मैं आपकी खूब सारी खिदमत करूंगी और अच्छे अच्छे डिशेस बना के आपको खिलाऊंगी, आई प्रॉमिस। चले ना। नहीं नहीं मैं वहां कहीं नहीं जाएगी, यहीं पे रहेगी। डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है, और फिर इसकी खिदमत के लिए मुलाजिम है ना यहाँ। मगर अंकल मुलाजिम उस तरह कहाँ ख्याल रखेंगे जिस तरह मैं रखूंगी। अरे नहीं भाई, तुम कब ख्याल रखोगी इसका? तुम खुद सारा दिन जॉब पर होती हो, पीछे ही अकेली रहेगी और फिर सारा काम ये खुद ही कर रही है। मैं छुट्टी ले लूंगी जॉब से, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं रिजाइन दे दूंगी। अम्मो से बढ़कर कुछ भी नहीं। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। अच्छा अगर मैं चली गई तो फारूक अकेले हो जाएंगे। हाँ मेरी खिदमत का कुछ ज्यादा ही शौक उठ रहा है, तो यहाँ आके रह लो, यहाँ करो मेरी खिदमत। है तू।